बल घाटी में चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ दिनों में घाटी में करीब आधा दर्जन स्थानों पर चोरों ने सेंध लगाकर टेलीफोन केबल पर हाथ साफ कर संचार व्यवस्था को ठप कर रखा है। इससे जहां टेलीफोन उपभोक्ता परेशान है, तो वहीं दूर संचार निगम की भी चोरों ने नींद हराम कर रखी है। दूर संचार निगम की ओर से पुलिस थाना बल में इन चोरियों के संदर्भ में मामला भी दर्ज करवाया गया है, मगर अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। मामले की पुष्टि दूर संचार निगम के सहायक अभियंता नवनीत कुमार ने की। उन्होंने बताया कि बल घाटी में चोर गिरोह पिछले लंबे अरसे से सक्रिय है। उन्होंने बताया कि दूर संचार के भंगरोटू उपमंडल के तहत पिछले कुछ समय से कई स्थानों पर केबल चोरी हुई है। इससे क्षेत्र में संचार व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। अभी जो स्पॉट यहाँ आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारी केबल चोरी की है सामाजिक तत्वों ने, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन को 150 नंबर बंद हो चुके हैं। अभी हम इस केबल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है कि आज के डेट में तो स्टाफ की भी कमी है, सामान का भी कई तरह से अभाव है, क्योंकि हमारा स्टाफ रात दिन मेहनत करके इसको दूरसंचार व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू करने में लगा हुआ है। पर कुछ हाल ही के दिनों में कुछ हमारे जो दूरभाष के अंदर अपना जो मंडल अधिकारी है, इसमें बड़ी भरी चोरी की घटनाएं सामने आई है। सिवड़ी, ढांडा, डणू, कम से कम तो 7-8 चोरियाँ यहाँ पे रिपोर्ट की गई है, जिससे मतलब हमारे जो उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और विभाग को भी अपनी सेवा सुचारू रूप से रखने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी पुलिस पर हमने ये सारी की सारी जो घटनाएं ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन भी कर रखी है FIR, पर पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया है, बल्कि संज्ञान लेने के ना लेते हुए इसके चोरों के जो असामाजिक तत्व, इनके हौसले और बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। अभी अगर इन्होंने पहले थोड़ा सा विजिट किया होता, कुछ मेहनत करी होती, तो साथ ये घटना दोबारा से ना घटती। तो मेरी पुलिस बैटमैन से यही गुजारिश है और आम नागरिकों से भी यही गुजारिश है कि जब भी कोई केस रजिस्टर्ड होता तो तत्काल उस पर छानबीन की जाए, ताकि आगे कोई घटना ना घटे। धन्यवाद। आपको बता दें कि केबल चोरी होने से दूरसंचार व्यवस्था के ठप होने के कारण जहां उपभोक्ता परेशान है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान संचार व्यवस्था ठप होने से स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है।